स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ी एक नई अपडेट। तो आइए देखते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर क्या काम चल रहा है और कितना काम यहाँ पर हो चुका है। ये लोकेशन है राजस्थान के दौसा ज़िले के नंदेरा गांव की और यहां पर लगभग 2 किलोमीटर का डामरीकरण हो चुका है और यहां पर डामरीकरण की 2 लेयर चढ़ा दी गई हैं। आइए देखते हैं यहाँ इस अंडरपास पर क्या कार्य हो रहा है। ये अनंतवाड़ा रोड का अंडरपास है और ये भी नंदेरा गांव में ही स्थित है। यहाँ पर एक जेसीबी अंडरपास की सुरक्षा दीवार बनाने के लिए खुदाई कर रही है। इधर यहाँ चोरवाड़ा रोड के अंडरपास पर अंडरपास के दोनों ओर कंक्रीट बिछाई गई है जिससे अंडरपास कमज़ोर नहीं हो सके। अब इस कंक्रीट पर पानी डालकर इसको मजबूत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें पानी भरा हुआ है जिससे कि मजबूत हो सके। ये अंडरपास पर पानी की निकासी के लिए बने वाटर पिट हैं जो अब पूरी तरह निर्मित हो चुके हैं। इनकी गहराई लगभग 8 फीट है और चौड़ाई और लंबाई लगभग 4x4 फीट होगी। इनको ढकने के लिए भी कंक्रीट के ढक्कन बनाए गए हैं जिससे इस गड्ढे में अनावश्यक कचरा नहीं जा सके। आइए अब आपको कुछ ट्रक दिखाते हैं जो गिट्टियाँ लेकर आभनेरी जा रहे हैं। वहाँ पर मशीन द्वारा गिट्टी बिछाने का कार्य चल रहा है। तो आइए देखते हैं ट्रकों की ये लंबी कतार। आप ये एक अंडरपास देख रहे हैं।
ये अंडरपास अनंतवाड़ा रोड का है। अंदर से इसका नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप देख सकते हैं, और बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा आपको दिखाई देगा। इसको बनाने में ब्लॉक्स का उपयोग किया गया है। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लोगो है जो अंडरपास के एक बड़े ब्लॉक पर उकेरा गया है। इस पर लिखा हुआ है NHAI। आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, ये रोड अनंतवाड़ा गांव की ओर जाता है। ये रोड अभी ही बनाया गया है क्योंकि पहले का जो रोड था वो हाईवे के बीच में आ गया था, तो अब उसका वैकल्पिक मार्ग विकसित किया गया है। आप देख सकते हैं, ये पहले वाला रोड था और ये सामने वाला अब बनाया गया है। आप देख रहे हैं, दोनों ओर का डामरीकरण हो चुका है और बीच में ये डिवाइडर का निर्माण होना बाकी है। इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। वैसे तो आज हाईवे पर कई दिन से कार्य बंद है, बस थोड़ा बहुत कार्य यहाँ चल रहा है। ये एक बोरवेल काटा जा रहा है, आप देख सकते हैं, मशीन यहाँ हाईवे से कुछ दूरी पर बोरवेल काट रही है। ये अंडरपास चोरवाड़ा की ओर जाने वाले रास्ते का है। यहाँ पर भी एक अंडरपास बनाया गया है। आइए देखते हैं ये अंदर से कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं, अभी इसमें बरसात का पानी भरा हुआ है और राहगीर आने जाने में काफ़ी परेशानी उठाते हैं क्योंकि बीच में मिट्टी की जो गाद है वो जम चुकी है और वो काफ़ी चिकनी है। आप देख रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी भराव का कार्य हो चुका है। रोलर से मिट्टी दबाई जा चुकी है। अब यहाँ एक दो दिन में मशीन से गिट्टियाँ बिछाई जाएंगी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कवरेज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।